हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न मुद्दों को लेकर श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना उज्जैन में 16 सितंबर को एक विशाल कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के 19 राज्यों के कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बुधवार को उदयपुर में श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मोडी ने पत्रकारों से बातचीत की। उज्जैन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुखदेव सिंह गोगा मोडी ने साफ किया कि राजस्थान में चाहे पद्मावती का मुद्दा हो या आनंद पाल का, सभी मामलों में श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना अग्रणी रही है। उपचुनाव के दौरान राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना ने जो कहा था वो करके दिखाया है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के मुद्दों पर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करती है, तो सभी राजपूत समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान सुखदेव सिंह गोगा मोडी ने कहा कि देश में आरक्षण के नाम पर पिछड़ों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी ओर सवर्ण समाज के लोगों के साथ पिछले 60 सालों में जिस तरह से व्यवहार किया गया है उससे ये साफ हो गया है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सभी ने सवर्ण समाज पर अत्याचार करने का काम किया है। इतना ही नहीं, केंद्र की भाजपा सरकार ने हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम भी किया है। SC/ST एक्ट में परिवर्तन कर दलितों के खिलाफ सवर्ण को खड़ा कर दिया। गोगा मोडी ने उदाहरण देते हुए साफ किया कि SC/ST एक्ट में जिस तरह से परिवर्तन किया उसके बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ शिकायत आई, उसके बाद वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे ये साफ हो गया है कि इस देश में दो कानून बने हुए हैं, एक कानून नेताओं के लिए है और दूसरा कानून आम जन के लिए है, इसलिए इस तरह के कानून को इस देश में नहीं चलने देंगे। गोगा मोडी ने आरक्षण के मुद्दे पर साफ किया कि आरक्षण सरकारी भीख में नहीं दे रहे हैं, आरक्षण पर सवर्ण समाज का पूरे रूप से अधिकार है और वे हम लेकर आएंगे। अगर सरकारें आरक्षण नहीं देती हैं, तो हम लगातार लड़ते रहेंगे और SC/ST एक्ट में अगर सरकार संशोधन नहीं करती है तो 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सवर्ण समाज सरकार का संशोधन करेगा। 16 सितंबर को जो उज्जैन के अंदर प्रोग्राम हम जो करने जा रहे हैं वो SC/ST को लेकर के, कानून को लेकर के और सवर्ण आर्थिक पिछड़े जो आरक्षण से वंचित हैं उन सबको एक साथ लेकर के हम ये आंदोलन कर रहे हैं और देश का सबसे बड़ा आज तक का आंदोलन होगा। सरकार को चेतना चाहिए और सोचना चाहिए सवर्ण कास्ट के लोग कहाँ जाएं। स्वाभिमानी लोग हैं जो इस देश को खून पसीने से सींचा है, आज उनको कुचलने का काम ये देश कर रहा है। अब ये जो SC/ST का कानून लेकर के आए हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम हो रहा है। हम दलित जो समाज के लोग हैं उनको अपना भाई समझते हैं, हिंदू से हिंदू को अलग करने का काम किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।